हाय फ्रेंड, आपका यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट साइंस क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आचार्य सी के आर्यन आज नए टॉपिक के साथ हिंदी के वर्ण विचार आज हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि वर्ण विचार है क्या। बाबू, वर्ण विचार को आज हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि वर्ण या वर्ण को हम लोग अक्षर भी बोलते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि वर्ण है क्या। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहेंगे जिसका हम लोग खंड या टुकड़ा न करें। यानी कि भाई, इस पे प्रश्न उठता है कि मूल ध्वनि क्या है। जो हम लोग बोलते हैं वही मूल ध्वनियां है। वर्ण हम उस मूल ध्वनि को कहेंगे जिसका खंड या टुकड़ा न किया जाए, उसी को हम लोग वर्ण बोलेंगे। अब प्रश्न उठता है भाई, किसमें अक्षर कहां से आ गया, अक्षर किसको बोलेंगे। तो अक्षर देखो बाबू, अक्षर जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला अ और दूसरा क्षर। अ का अर्थ होता है नहीं, अ का अर्थ होगा आपका नहीं, और क्षर का अर्थ होता है विनाश। अर्थात जिसका विनाश ना हो, जिसका विनाश ना हो, जिसका खंड या टुकड़ा ना हो, उसी को हम लोग अक्षर बोलेंगे। अगर आप लोग को संस्कृत में डिफिनेशन जानना है तो होता है न क्षरति, न क्षरति इति अक्षर, न क्षरति इति अक्षर। अर्थात जिसका क्षरण ना हो, जिसका विनाश ना हो, वही क्या है, अक्षर है। यानी कि हम लोग वर्ण को अक्षर के नाम से भी जाना जाता है। फिर से हम बता दें कि अर्थ दो शब्द से मिलकर बना है, और दूसरा क्षण। अ का अर्थ होता है नहीं, और क्षर का अर्थ होता है विनाश। अर्थात जिसका विनाश न हो वही अक्षर है। वर्ण को हम लोग इसी डिफिनेशन में बताएं बाबू कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहेंगे जिसका खंड या टुकड़ा ना हो, जिसको हम लोग खंडित नहीं कर सकते हैं, उसी को हम लोग वर्ण बोलेंगे। जैसे में हम आप लोग को एग्जाम्पल बता रहे हैं, जैसे जैसे अ आ हर्षई क हलंत लगाकर बोलेंगे, या ट। यानी इस सारा जो चीज है बाबू वर्ण है। वर्ण को हम लोग आगे दो भागों में बांटे हैं। वर्ण को हम लोग कितने भागों में बांटा गया है, दो भाग में। एक है स्वर और दूसरा है व्यंजन। एक है स्वर, दूसरा है व्यंजन। पहला है स्वर वर्ण, दूसरा है व्यंजन वर्ण। अगर आप लोग से पूछा जाए कि वर्ण भाई कितने भागों में बटा है, तो दो भागों में। पहला स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। पहला कौन वर्ण, स्वर, दूसरा व्यंजन वर्ण। उसके बाद हम लोग व्यंजन, पहले स्वर बारे स्वर वर्ण के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग व्यंजन वर्ण के बारे में पढ़ेंगे कि स्वर वर्ण है क्या। सबसे पहले हम स्वर वर्ण के शॉर्ट टर्म में बता देते हैं कि उसके स्वर वर्ण है क्या। स्वर वर्ण उस मूल ध्वनि को कहेंगे जिसका उच्चारण करते समय, अर्थात जिसको बोलते समय। स्वर वर्ण उस मूल ध्वनि को कहेंगे जिसका उच्चारण करते समय, अर्थात बोलते समय किसी दूसरे वर्ण की सहायता ना ली जाए। दूसरा वर्ण मतलब व्यंजन वर्ण। भाई वर्ण तो दो ही प्रकार के होता है, एक स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। यानी कि स्वर वर्ण कहता है कि हमको उच्चारण करने में अर्थात बोलने में हम व्यंजन वर्ण की सहायता नहीं लेंगे, अर्थात किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेंगे। यानी कि स्वर वर्ण उसी को बोलेंगे जो स्वतंत्र हो, स्वयं अपने आप उच्चारित हो, उसी को हम लोग स्वर वर्ण बोलेंगे। लेकिन व्यंजन वर्ण क्या कहता है, व्यंजन वर्ण कहता है एक तरह से, मान लो हम मानते हैं कि वर्ण का दो ही लड़का है, एक स्वर है और दूसरा व्यंजन है। लेकिन हम बाबू आप लोग को व्यंजन का डिफिनेशन बताते समय हम आप लोग को इसको स्त्री बनाएंगे और इसको पुरुष बनाएंगे। जिस तरह से हम जानते हैं कि अगर बच्चा छोटा बच्चा होता है, अगर छोटा बच्चा रहेगा तो उसकी अगर माँ न रहेगी तो उसका विकास करना, छोटा बच्चा जो शिशु एक दो महीना का होता है तो उसका विकास माँ के बिना असंभव होता है, उसी तरह से हम इसको पुरुष मानेंगे और इसको स्त्री मानेंगे। यानी कि व्यंजन क्या कहलाता है, व्यंजन कहता है कि अगर तू ना रहू तो हम जियब कैसे। यानी कि व्यंजन को, अगर व्यंजन
का अगर आपको उच्चारण करना है तो स्वर का होना अनिवार्य है। बिना स्वर का उच्चारण हम व्यंजन को नहीं कर सकते हैं। अर्थात को अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर क हलंत लिखे हैं, तो इसको अगर पूछा जाए कि क्या इसको आप उच्चारण कर सकते हैं, नहीं, बिल्कुल हम उच्चारण नहीं कर सकते हैं। लेकिन यही अगर आप पूर्ण रूप से अगर क लिखते तो इसका आसानी से हम लोग उच्चारण कर सकते हैं, क्योंकि हरेक व्यंजन वर्ण में स्वर वर्ण की मात्राएं होती है, यानी कि अ होता है। अगर कोई भी अगर क बोलिए क, लास्ट में आपका अ आता है, या ख ख बोलिए उसमें अ आया, ग हमेशा हमेशा आपका अंत में अ आता है। इसलिए हम बोल सकते हैं बाबू कि व्यंजन वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण के बिना उच्चारण करना असंभव है। अर्थात अगर जिस व्यंजन में स्वर न रहेगा उसको हम लोग व्यंजन स्वर रहित बोलेंगे, उस व्यंजन को हम लोग स्वर रहित व्यंजन बोलेंगे। कोई दिक्कत? अब देखो हम यहाँ पर आप लोग का डिफिनेशन भी लिख दे रहे हैं। स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं, जिसका उच्चारण करने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता न ली जाए उसे स्वर वर्ण कहते हैं। आगे जाके बाबू जैसे एग्जाम्पल भी हम लिख दे रहे हैं, जैसे हाँ एक और हम बोलेंगे कि बहुत सारे हम बच्चों, देखो बाबू जब हम लोग ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते थे तो बहुत ऐसा बच्चा है जो 10th में या 11th 12th में जो भी बच्चा है उसको स्वर नहीं समझ में आता है कि स्वर है कौन और व्यंजन है कौन। तो हम आप लोग को बता दे कि हम लोग अ आ को यानी कि अ आ को स्वर बोलते हैं और क ख ग को हम लोग व्यंजन बोलते हैं। तो ये मत कभी भी जवाब जाइएगा कि स्वर है क्या, हमेशा अ आ को स्वर बोलते हैं और क ख ग जो भी है उसको हम लोग व्यंजन बोलते हैं। यानी कि अ आ हसई दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ री ए ऐ को आओ अन अह नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम लोग अन अह नहीं बोलेंगे बाबू, क्योंकि अन और जो अह होता है उसको हम लोग अयोगवाह वर्ण के श्रेणी में रखे हैं। यानी कि देखो अन और अ इसको हम लोग कोई अगला वीडियो में, या अगर देखो वीडियो अगर लंबा नहीं होता है तो हम इसीलिए बता देंगे कि अन और अह क्या है, हम लोग अयोगवाह वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। और ये भी जान लीजिए कि स्वर वर्ण की जो संख्याएं होती है 11 होती है। ये अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में अर्थात जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है उसमें जो भी हिंदी पूछता है बाबू उसमें पूछेगा कि आप लोग बताइए स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है। तो बहुत सारे बच्चा होता है कि उसको क्या करेगा 13 मारेगा, अन और अह भी जोड़ेगा। नहीं, हम लोग अन और अह को नहीं जोड़ना है, बल्कि हम लोग की स्वरों की संख्या 11 होती है। और देखो स्वर वर्ण आगे चल के 3 भागों में विभक्त है। पहला हरस्त स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा पलुत स्वर। पहला है हरस्त, दूसरा है दीर्घ और तीसरा है पलुत। हम लोग बारी बारी से यानी कि स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है, संख्या कह गो भाई, संख्या हो आपका 11 हो, संख्या कह गो 11 हो। स्वर वर्ण के बाद बाटल बा कई भाग में, 3 भाग में। हरस्त स्वर पहला है हरस्त, दूसरा है दीर्घ और तीसरा है भाई पलुत स्वर। अब देखो
हम लोग हरस्त स्वर और दीर्घ स्वर और पलुत स्वर के बारे में बारी बारी से हम लोग अध्ययन करेंगे कि हरस्त स्वर है क्या, दीर्घ स्वर है क्या, पलुत स्वर है क्या। हरस्त स्वर बहुत आसान डिफिनेशन है, वैसा स्वर जिसका उच्चारण करने में अर्थात जिसको बोलने में बहुत कम समय लगे उसी को हम लोग हरस्त स्वर बोलेंगे। फिर से, जब कम समय लागी हूं क्या लगी बाबू, कम समय क्या लग जाए, कम समय, कम समय लगेगा उसी को, जिसको उच्चारण करने में कम समय लगेगा उसी को हम लोग हरस्त स्वर बोलेंगे। इसको हम लोग एक मात्रिक स्वर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक मात्रिक स्वर, एक मात्रिक स्वर। और प्रश्न उठता है कि कोई बच्चा बोलता है कि एक मात्रिक स्वर हम किसको बोलेंगे, रुक जाओ रुक जाओ, इसको मिटा ले। एक मात्रिक हम बोले हैं बाबू जिसमें एक मात्रा हो उसी को हम लोग एक मात्रिक बोलेंगे। जैसे पहले हम आप लोग को एग्जाम्पल में लिख दे रहा है, जैसे में कि हरस्त स्वर की संख्या कितनी होती है, पहला होता है अ, दूसरा होता है हर्षई, और तीसरा होता है हर्षऊ, और चौथा होता है री। देखिए अ में केवल एक ही मात्रा है, अगर आप आ को मिलाइएगा तो आ बाबू अ और अ मिलकर बना होता है, अ और अ मिलकर बना होता है, अर्थात ये द्विमात्रिक है। लेकिन हरस्त स्वर जो होता है एक मात्रिक होता है। हम फिर से बता दे कि हरस्त स्वरों की संख्या चार होती है, अ हर्षई हर्षऊ और री, अ हर्षई हर्षऊ और री। इसको उच्चारण करने में बहुत कम समय लगता है, इसको हम लोग एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। कोई दिक्कत, अब हम लोग पढ़ेंगे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या है, दूसरा हरस्त स्वर का स्वर का दूसरा प्रकार दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर वैसा स्वर, फिर से जब डिफिनेशन सुनिएगा, वैसा स्वर जिसका उच्चारण करने में हरस्त स्वर की अपेक्षा, यानी कि पहले वाले की अपेक्षा दो गुना समय लगे, कितना समय लगे, दो गुना समय लगे, उसी को हम लोग दीर्घ स्वर बोलेंगे। और दीर्घ स्वर बाबू इसकी संख्याएं जो होती है, संख्या कई गो होती है, सात गो होती है, संख्या कई गो, सात गो। अब भाई प्रश्न उठता है कि स्वर बताए कि पहला होता है हरस्त, दूसरा होता है दीर्घ और पलुत। भाई पलुत कहा गया, पलुत स्वर की संख्या नहीं होती है। जब आप लोग संस्कृत पढ़िएगा तो उसमें देखिए कहीं कहीं आप लोग को मिलता है ऐसे, ओ हम या राम रामम, इसमें जो ये वाला अक्षर जो है बाबू यह पलुत स्वर को दर्शाता है हमेशा ही, किसको दर्शाएगा, पलुत स्वर को। यानी कि हम लोग को मेन रूप से हरस्त और दीर्घ को ही जानना है कि हरस्त की स्वर होती है संख्या की चार और दीर्घ स्वर की संख्या होती है सात। इसमें आपका दीर्घ स्वर होगा आ होगा, दीर्घई होगा, उसके बाद आपका दीर्घऊ होगा, उसके बाद ए होगा, आए होगा, ओ होगा और अ होगा। हम बारी बारी से आप लोग को बता दे बाबू कि आपका बिहार बोर्ड के एग्जाम में ये पूछेगा कि बताओ कि आ जो है हरस्त स्वर है या दीर्घ स्वर है, तो आप लोग को बताना है कि दीर्घ स्वर है। हम ये भी बता दे कि हरस्त स्वर को द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, क्योंकि हम बताए हैं कि हरस्त स्वर को हरस्त स्वर के अपेक्षा इसमें दुगुना समय लगता है, इसी को हम लोग द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। इतना में किसी का दिक्कत, जो भी बच्चा को अगर समझ में नहीं आएगा वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और हम प्रयास करेंगे कि उनका जवाब सरल शब्दों में हम देने का क्या करेंगे, कोशिश करेंगे बाबू, प्रयास करेंगे। अब हम लोग जब स्वर आपका आया, दूसरा होता है व्यंजन, व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहेंगे जिसका उच्चारण करने में स्वर वर्ण की सहायता ली जाए। यानी कि देखो व्यंजन कहता है स्वर से, अगर तू रहू ना तो हम मर जाए, यानी कि तू अगर आप मेरा साथ नहीं दीजिएगा तो हम नहीं उच्चारित होंगे, नहीं बोलेंगे, मेरा अस्तित्व कोई नहीं रहेगा। अर्थात
व्यंजन वर्ण का उच्चारण करने में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। फिर से डिफिनेशन सुन लो बाबू, लिख दे रहे हैं यहां पर, व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण उन वर्णों को, वर्णों को कहते हैं जिसका उच्चारण करने में स्वर वर्ण की तर लीजिए, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे एग्जाम, जैसे क च ज झ ल, ये आपका बाबू व्यंजन और उन वर्णों को कहते हैं जिसका उच्चारण करने में अर्थात जिसको बोलने में स्वर वर्ण की सहायता ली जाए यानी कि स्वर की सहायता से बोली जाए उसी को हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं। कोई दिक्कत? अब देखो बाबू, हम बारी बारी से व्यंजन वर्ण जो है तीन भाग में बटा है। पहला होता है स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। दूसरा होता है अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन। और तीसरा होता है उष्म व्यंजन। फिर से व्यंजन वर्ण को तीन भागों में बांटा गया है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। सबसे पहले बाबू हम लोग स्पर्श व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। और देखो सबसे ज्यादा व्यंजन में आप लोग का स्पर्श व्यंजन से क्वेश्चन पूछता है। हर एक प्रतियोगी परीक्षा में ये क्वेश्चन हमेशा हमेशा रहता है कि स्पर्श व्यंजन से जैसे पूछेगा कि बताओ क का उच्चारण क्या है, च का उच्चारण क्या है, ल का उच्चारण क्या है, म का उच्चारण क्या है, इसी स्पर्श व्यंजन से हम लोग जानेंगे। हम लोग स्पर्श व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। स्पर्श व्यंजन है क्या? वैसा व्यंजन जिसका उच्चारण करने में कंठ, तालु, मुर्दा, दंत और ओठ के स्पर्श से बोली जाए उसी को हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। फिर से, वैसा व्यंजन जिसका उच्चारण करने में कंठ, तालु, दंत, मुर्दा और ओठ के स्पर्श से बोली जाए उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? स्पर्श व्यंजन बोलेंगे। स्पर्श व्यंजन में बाबू हम कवर्ग लिखे हैं, ये कवर्ग इसको हम लोग हिंदी में वर्ग बोलते हैं। कवर्ग को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, यानी कि पांच को वर्ग है। अगर आप लोग से पूछा जाए कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है तो 25 होती है, यानी कि क ख ग घ में आपका अंग तक पांच को होगा यानी कि म तक, क से लेकर म तक आपका स्पर्श व्यंजन है, क से लेकर म तक यानी कि इसकी संख्या जो होती है कई होती है? 25। अब हम लोग इसका उच्चारण स्थान जानेंगे। और एक देखिए देसी जुगाड़ में मामला है आप लोग का ट्रिक, जिसका नाम है, ट्रिक का नाम है आपका कता मुदाओ,
कता मुदाओ। देखो बाबू, जब हम लोग पढ़ रहे थे, जब हम लोग मैट्रिक और इंटर में थे तो हमसे याद नहीं हो रहा था, लेकिन हम सोचे जब हम पढ़ाना शुरू किए उस समय देखे कि जो मेरा दिक्कत हो रहा है वही बच्चों का भी दिक्कत होगा। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं है तो हरे कोई भी YouTube चैनल हो या कोई भी टीचर हो अगर ये ट्रिक को बताएगा तो हम जानेंगे कि नहीं। देखो ये परफेक्ट हम अपने आप से बनाए इसको, और इसमें कुछ भी नहीं है भाई, जो पढ़ेगा वो बनाएगा, कुछ भी नहीं है। इस ट्रिक को आप लोगों को ध्यान में रखना है, TRICK वाला ट्रिक नो भाई। हाँ, अब देखो क से आपका कंठ होता है और त से होता है तालू, मुंह से होता है मूर्धा और द से होता है दंत, ओ से होता है ओठ, ओष्ठ होता है इसको। अब देखो अब ये मतलब कहाँ होगा तो हम लोग को देखिए क च ट त प, क च ट त प यानी कि पहला वर्ग आता है कवर्ग, तो आपको याद करना है यहाँ पर कंठ पहला होता है क त मुदाओ। इसमें देखो पांच वो है भाई और पांचवे को लिखे क त मुदाओ। क से होगा कंठ, त से होगा तालू और मुंह से होगा का मूर्धा और आपका द से होगा दंत और ओ से होगा ओष्ठ। अर्थात हम लोग जो भी क है ख है ग है घ है अंग है इसका उच्चारण हम लोग कंठ से बोल करेंगे, या च है छ है ज है झ है य है इसका उच्चारण तालू से करेंगे, ट ठ ड ढ ळ इसका उच्चारण हम लोग मूर्धा से करेंगे, त थ द ध न इसका उच्चारण दंत से करेंगे। आप लोग को एक ही ट्रिक याद रखना है क त मुदाओ, यानी कि अगर आप लोग से फ फ ब ब पूछा तो याद करना है क त मुदाओ, यानी कि लास्ट में आओ तो ओ प फ ब ब लास्ट में बा, यानी कि प फ ब ब का जो भी अक्षर है जो भी वर्ण है उसको हम लोग कैसे उच्चारण करेंगे बाबू, ओर से उच्चारण करेंगे। किसी का दिक्कत? अब देखो एक दिक्कत तो है ही कई है, एक दिक्कत क्या है कि जो हिंदी का भाई अच्छा विद्वान होगा जो जिसको जानकारी होगा इसको गलती कर देगा कि आप गलत बता रहे हैं। कैसे? देखो बाबू हम तो आप लोगों को बता रहे हैं कि जो कवर्ग वर्ग होता है उसको हम लोग कंठ से उच्चारित करेंगे, बात सही है, यानी कि क ख ग घ अंग या च छ ज झ य इसका तालू से होगा, यानी कि ट ठ ड ढ ण इसका मूर्धा से होगा, त थ द ध न इसका दंत से होगा, प फ ब भ म इसका ओठ से होगा। लेकिन आपका जो हरेक वर्ण का यानी कि हरेक वर्ग का वर्ग बोलेंगे इसको, हरेक वर्ग का जो पांचवा लेटर अक्षर है, हरेक वर्ग का जो पांचवा अक्षर है यानी कि अंग न और म इसका उच्चारण स्थान नासिका भी होता है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि इसका अगर अंग का उच्चारण कंठ नहीं होगा, बात सही है भाई अंग का उच्चारण कंठ होगा, लेकिन हरेक वर्ग का पांचवा जो अक्षर होगा उसका नासिका से उच्चारण होता है। अब हम लोग बाबू अगला वर्ण का भाग अंतस्थ व्यंजन को जानेंगे। अंतस्थ व्यंजन का अंतस्थ व्यंजन है क्या? अंतस्थ व्यंजन वैसा व्यंजन जिसका उच्चारण करने में हम लोग के शरीर का अंदर के भाग से उच्चारित हो उसी को हम लोग अंतस्थ व्यंजन बोलेंगे। अब देखो इसमें ट्रिक है, देखिए ट्रिक था कता मुदाओ, लेकिन इस ट्रिक में आप लोग को क नहीं होगा, इसका ट्रिक होगा ता मुदाओ, ता मुदाओ। देखो अब दशहरा मेला घूमे कोई बारे लोग भाई, पहला देखो 10 दिन का मेला होला, बात सही बा, लेकिन हमनी के 8वीं के दिना ये पांचों परिवार मेला घूमने जाता है। सबसे बड़ा इसमें क है, सबसे बड़ा क है, लेकिन देखो इसको जब ये स्पर्श व्यंजन में
सारा परिवार अठमी के दिन मेला घूमे जाएगा, लेकिन अंतस्त व्यंजन के दिन अर्थात नवमी के दिन वो दिना बहुत भीड़ भड़ाका रहेगा, चोरों के डर रहेगा। ये चलते बाबू इसको क्या किया जाता है कि सबसे आप बड़ा है, आप घर पर रहिए और आप नवमी के दिन नहीं बल्कि दसवीं के दिन आपको मेला घूमने जाना है। और आपको ये ध्यान में रखना होगा कि कौन दसवीं के दिन मेला घूमने जाएगा। अब देखो अगर आपसे पूछेगा अ का उच्चारण य का उच्चारण स्थान तो तालु, र का उच्चारण स्थान मुर्दा, और ल का उच्चारण स्थान तो दंत, और व का उच्चारण स्थान ओठ। कोई दिक्कत? क ताम उदाव याद करना है, उसके बाद अंतस्थ व्यंजन के बाद ताम उदाव याद करना है, यानी कि य के तालु, र के मुर्दा, ल के दंत और व के ओठ। कोई दिक्कत? उसके बाद आपका आएगा उष्म व्यंजन। क्या बाबू? उष्म व्यंजन, वैसा व्यंजन जिसको उच्चारण करने में घर्षण या रगर पैदा हो या हम लोग को श्वास वायु जो होता है गर्म निकले, उसी को हम लोग उष्म व्यंजन बोलेंगे। कोई दिक्कत? उष्म व्यंजन में आपका आता है तलाबी श, मुधानी श, दंती श और ह। अब बोलो कि संयोगी छ, त्र और ज्ञ क्यों नहीं लिखे? तो संयोगी छ और त्र जो है बाबू वो व्यंजन के अंतर्गत उसको हम लोग नहीं रखे, बल्कि उसको हम लोग संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत रखे हैं, क्योंकि दो व्यंजनों के मेल से वो बना होता है। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि संयुक्त व्यंजन है क्या। अब देखो तलाबी स, मुधानी स, दंती स और ह, सबको हम लोग स बोलते हैं। सबको हम लोग क्या बोलते हैं? स। बहुत सारे हम बच्चों से अगर जब हम ऑफलाइन क्लास पढ़ाते हैं तो बोलते हैं कि हेकरा के सोए कहले रहे करो के सोए कहले रहे करो के सोए कहले रहे, लेकिन हेकरा के तलाबी से हेकरा के मुधानी से हेकरा के दंती स क्यों कहते हैं भाई? देखो अगर तलाबी स कहते हैं तो इसका उच्चारण तालु से होगा, इसका उच्चारण कैसे होगा? तालु से। दंती स तलाबी स के बाद आता है बाबू दंती स, तलाबी स का उच्चारण तालु से होगा, मूर्धानी स का उच्चारण आपका मूर्धा से होगा और दंती स का उच्चारण आपका दांत से होगा। हम बोले थे कि कौन मेला घूमे देखे गोई, अठनी के कौन मेला घूमे गोई रहे, लेकिन बाबू नौमी के दिन कौन मेला घूमे नहीं खे गोई। अब लास्ट में इसको क को मेला घुमा दो अर्थात ह को कंठ से उच्चारित करा दो। अगर जो भी बच्चा को अगर दिक्कत होगा वो क्या करेगा कि नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा और जो भी परेशानियां होगी अपना लिखेगा। थैंक्स।